रसायन का दूसरा भाग जिसका नाम है उत्प्रेरण। एकदम शुरू से चैप्टर का ये भाग समझाने जा रहे हैं, ध्यान दिया जाए। सबसे पहला शब्द है उत्प्रेरक और उत्प्रेरण। उत्प्रेरक एक पदार्थ का नाम है और उत्प्रेरण एक प्रक्रम, एक घटना का नाम है। ध्यान दिया जाए, वह बाहरी पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को परिवर्तित करने की क्षमता रखता है, लेकिन स्वयं अभिक्रिया के अंत अंत तक संगठन या बनावट या भार की दृष्टि से खुद अपरिवर्तित होता है, यानी कि उसके भार में, उसके बनावट में कोई परिवर्तन नहीं। यानी किसी अभिक्रिया के दौरान अगर हम 50 ग्राम कोई उत्प्रेरक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो अंत अंत तक 50 ग्राम ही रहेगा, उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं है। तो वह बाहरी पदार्थ जो अभिक्रिया की दर को बढ़ा सकता है या घटा सकता है लेकिन स्वयं बनावट या भार की दृष्टि से परिवर्तित नहीं होता है, उत्प्रेरक कहलाता है। और यह घटना उत्प्रेरण कहलाती है। जैसे इस अभिक्रिया में MnO2 उत्प्रेरक है, इस अभिक्रिया में आयरन उत्प्रेरक है। तो कहने का मतलब है कि उत्प्रेरक केवल अभिक्रिया की गति को बढ़ा या घटा सकता है, ना ही किसी रिएक्शन, मतलब रिएक्शन रिएक्टेंट के, बल्कि अभिकारक के भौतिक या रासायनिक गुण को प्रभावित नहीं करता है। यहाँ पर एक चीज जानना है, टाइप्स ऑफ कैटालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, यानी भौतिक अवस्था के आधार पर अगर इस उत्प्रेरण का अध्ययन करें तो दो प्रकार का होता है, एक समांगी और एक विषमांगी। और बहुत ही आसान है कि आप देखते ही आज के बाद पहचान जाएंगे कि समांगी उत्प्रेरण है या विषमांगी है। जैसे आपको क्या करना है कि रिएक्शन के दौरान भाग लेने वाले अभिकारक को देखना है और उत्प्रेरण को, उत्प्रेरक को देखना है। अगर दोनों का भौतिक अवस्था समान होगा, जिसके बगल में S लिखे हैं, इसके भी बगल में S लिखे हैं, तो दोनों की भौतिक अवस्था अगर समान होगी अभिकारक और उत्प्रेरक की, प्रतिफल से कोई मतलब नहीं है, उत्प्रेरक और अभिकारक की समान भौतिक अवस्था होगी तो उत्प्रेरण की वह घटना समांगी उत्प्रेरण होगी। और यही जब असमान होगी भौतिक अवस्था, यानी जैसे देख सकते हैं नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैसीय अवस्था में है लेकिन लोहा ठोस अवस्था में, यहाँ उत्प्रेरक और अभिकारक की समान भौतिक अवस्था नहीं है तो हम इसको विषमांगी उत्प्रेरण का सिद्धांत कहेंगे। तो इस तरह से उत्प्रेरण भौतिक अवस्था के आधार पर दो प्रकार का, समांगी विषमांगी, होमोजीनियस कैटालिसिस और हेट्रोजीनियस। नेक्स्ट, उत्प्रेरक की क्रियाविधि के आधार पर उत्प्रेरक जो होता है चार प्रकार का होता है, यानी टाइप्स ऑफ कैटालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन। एक्शन मतलब क्रियाविधि, काम करने के आधार पर उत्प्रेरक चार प्रकार का होता है, धनात्मक उत्प्रेरण, ऋणात्मक उत्प्रेरण, स्व उत्प्रेरण और प्रेरित उत्प्रेरण। आप धनात्मक और ऋणात्मक पढ़ चुके हैं, वैसी उत्प्रेरण की घटना जिसमें उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है, और वैसी उत्प्रेरण की घटना जिसमें अभिक्रिया की दर को घटा देता है उत्प्रेरक, उसको ऋणात्मक उत्प्रेरण कहा जाता है। एक चीज यहाँ समझने लायक है, जो केमिकल काइनेटिक रासायनिक बल गतिकी चैप्टर में बताया गया था, आखिर करता क्या है ये उत्प्रेरक, तो ये एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा के मान को धनात्मक उत्प्रेरक जो है वो कम कर देता है, तो ज्यादा ज्यादा अभिकारक काणु प्रतिफल का निर्माण करता है। और यहाँ ऋणात्मक उत्प्रेरण में यह सक्रियण ऊर्जा के मान को बढ़ा देता है, जिससे ज्यादा अभिकारक काणु उस मान को नहीं प्राप्त करता है और रिएक्शन का स्पीड स्लो हो जाता है। अब हम जो मेन यहाँ पर है, स्व उत्प्रेरण और प्रेरित उत्प्रेरण, ध्यान से समझेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी पहला है, सॉरी थर्ड है इंड्यूस, बल्कि ऑटो कैटालिसिस, और चौथा है इंड्यूस कैटालिसिस। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। तो पहला, स्व उत्प्रेरण क्या है? वैसी उत्प्रेरण की घटना जिसमें रिएक्शन के दौरान, अभिक्रिया के दौरान बना हुआ उत्पाद ही उत्प्रेरक का कार्य करता है, कोई बाहरी उत्प्रेरक का इस्तेमाल नहीं होता। एक बार फिर से, वैसी उत्प्रेरण की घटना जिसमें अभिक्रिया के दौरान बना हुआ उत्पाद ही उत्प्रेरक का कार्य करता है, स्व उत्प्रेरण कहलाता है। तो यहां समझ सकते हैं कि इस पूरे रिएक्शन में देखने से लग रहा है कि कहीं कोई उत्प्रेरक है ही नहीं, लेकिन उत्प्रेरक का रोल, इसका बना हुआ जो उत्पाद है एसिटिक अम्ल,
वही निभाता है। कैसे? तो जब हम इथाइल एसीटेट को एक बीकर में लेकर ऊपर से धीरे धीरे ड्रॉप ड्रॉप करके पानी डालते हैं तो हम देखते हैं कि ये रिएक्शन हो ही नहीं रहा है, लेकिन जैसे ही कुछ समय बीतने के बाद एसिटिक एसिड का निर्माण होता है तो तुरंत देखते हैं कि रिएक्शन 100% कंप्लीट हो गया। यानी कहने का मतलब है कि एसिटिक एसिड जो थोड़ा सा भी बना वही उत्प्रेरक का रोल निभा दिया और अभिक्रिया की दर को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। इसीलिए इसका नाम पड़ा है स्व उत्प्रेरण, जिसमें कोई बाहरी उत्प्रेरक का इस्तेमाल नहीं होता है। अब प्रेरित उत्प्रेरण, प्रेरित इंड्यूस उत्प्रेरण मतलब कैटालिसिस क्या है प्रेरित उत्प्रेरण? तो इसमें क्या है कि दो रासायनिक अभिक्रियाओं को जब एक साथ संपन्न करवाते हैं तो एक रासायनिक अभिक्रिया मतलब एक रासायनिक अभिक्रिया द्वितीय रासायनिक अभिक्रिया को प्रेरित करती है, तो इस प्रकार के उत्प्रेरण की घटना को प्रेरित उत्प्रेरण कहते हैं। अब इसको समझने के लिए थोड़ा एग्जाम्पल पर ध्यान दीजिए। Na2SO3 लिया गया है और इसका ऑक्सीजन की सीमित मात्रा में ऑक्सीकरण करवाया जा रहा है, हाफ O2 मतलब एक ऑक्सीजन, दोनों कट जाएगा तो हम करा रहे हैं, तो एक घंटे से ये ऑक्सीकरण करवा रहे हैं, हो ही नहीं रहा है। उसी बर्तन में हम एक और चीज डाल दिए, पहले हम दोनों नहीं लिए थे, हम केवल लिए थे Na2SO3 लिए थे, ऑक्सीजन धीरे धीरे प्रवाहित कर रहे थे, रिएक्शन यानी ऑक्सीकरण हो ही नहीं रहा था। उसी बर्तन में थोड़ा सा हम Na2SO3 डाल दिए और ऑक्सीजन तो प्रवाहित कर ही रहे, तो जैसे ही ये संपर्क में आया तो ये अपना तुरंत रिएक्शन कंप्लीट कर दिया Na2SO4। तो इससे प्रेरित होकर जो रिएक्शन कब से नहीं हो रहा था वो मतलब संपन्न हो जाता है, तुरंत रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना देता है। तो क्या हुआ इस घटना में कि इस अभिक्रिया को प्रेरित किया गया इस अभिक्रिया द्वारा, तो इसी को प्रेरित उत्प्रेरण का सिद्धांत कहते हैं। जब दो रासायनिक अभिक्रियाएं एक साथ संपन्न होती है तो एक अभिक्रिया अगर दूसरे अभिक्रिया को प्रेरित करती है, यानी पूरा अभिक्रिया एक उत्प्रेरक का कार्य करता है, इसमें पूरा जो सेकेंड रिएक्शन है ये पूरा उत्प्रेरक का रोल निभा रहा है, किसके लिए, प्रथम अभिक्रिया के लिए। तो यहां इसी कॉन्सेप्ट को, इसी विचार को प्रेरित उत्प्रेरण का सिद्धांत कहा जाता है। इसमें अलग से कोई कैटलिस्ट नहीं, बस ये रिएक्शन से प्रेरित होकर ये रिएक्शन संपन्न हो जाता है, इसी को प्रेरित उत्प्रेरण कहा जाता है। आज तक आप लोग उत्प्रेरक के बारे में केवल पढ़े थे, उत्प्रेरक। अब हम आज जो चीज बताने जा रहे हैं ध्यान से समझेंगे, उत्प्रेरक की भी क्रियाशीलता को बढ़ाने और घटाने वाला पदार्थ होता है, उत्प्रेरक के भी एक्टिविटी को बढ़ाया और घटाया जा सकता है। तो एक शब्द, एक पदार्थ है वर्धक और एक पदार्थ है विष, एक है प्रोमोटर और एक है पॉइजन। वह बाहरी पदार्थ जिसकी अल्प मात्रा उत्प्रेरक के साथ मिलाकर उपयोग की जाए तो ये उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा देता है और ज्यादा तेजी से उत्प्रेरक काम करता है और रिएक्शन तेजी से संपन्न होने लगता है। तो जरा समझा जाए क्या है वर्धक, क्या है उत्प्रेरक के उत्तेजक। वे बाहरी पदार्थ जिसको अल्प मात्रा में अगर इस उत्प्रेरक के साथ मिला दिया जाए तो ये उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा देता है। तो इस प्रकार के बाहरी पदार्थ को उत्प्रेरक के उत्तेजक या वर्धक कहते हैं। जैसे इस रासायनिक अभिक्रिया के दौरान उत्प्रेरक के रूप में यूज हुआ है Fe, और Fe की क्रियाशीलता को और ज्यादा बढ़ाने के लिए यहां MO का उपयोग किया गया। MO क्या है, मोलिब्डेनम, वर्ग संख्या 6 का एलिमेंट है मोलिब्डेनम, क्रोमियम के नीचे, ठीक है। वर्ग संख्या 6 समझ में आता है, 6, ठीक है, या 6B। तो यहां मोलिब्डेनम एक तत्व है, कोई यौगिक नहीं है, जो आयरन के साथ मिलाकर उपयोग करने से यह क्रियाशीलता को बढ़ा देता है। विष या प्रति उत्प्रेरक क्या है, पॉइजन, नाम से यह स्पष्ट है कि पॉइजन। तो ये क्या करेगा, ये ऐसा पदार्थ है जो उत्प्रेरक के साथ अल्प मात्रा मिलाकर उपयोग करने से उत्प्रेरक के एक्टिविटी को, क्रियाशीलता को कम कर देता है, तो ये कहलाता है उत्प्रेरक का विष या प्रति उत्प्रेरक, जो उत्प्रेरक के साथ अल्प मात्रा में उपयोग करने पर यह उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को क्या करता है, कम कर देता है या नष्ट कर देता है, तो उसको कहते हैं पॉइजन। जैसे इस अभिक्रिया में प्लेटिनम उत्प्रेरक था,
और इस प्लेटिनम के क्रियाशीलता को कम कर दिया। कौन? आर्सेनिक यौगिक। रिकॉर्डिंग हो रहा है ना? तो इसको बोलते हैं, ठीक है, यहाँ आई छुटा हुआ है तो ध्यान दिया जाए। चलिए, तो यहां विष या प्रति उत्प्रेरक को आपने समझा। अब हम बात करते हैं आखिर उत्प्रेरक अपना रोल कैसे निभाता है, कब से सुन रहे हैं। तो उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है, घटा देता है, तो आखिर उत्प्रेरक आखिर करता क्या है पूरे रासायनिक अभिक्रिया के क्रम में। अब आप इसका पूरा रोल डिटेल में समझने जा रहे हैं। देखिए, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक है, वो भी समझ लिया जाए। उत्प्रेरक का कुछ महत्वपूर्ण गुण, उत्प्रेरक का कुछ महत्वपूर्ण गुण क्या है। सबसे पहला कि उत्प्रेरक किसी रासायनिक अभिक्रिया के संपन्न होने में साथ देता है। ऐसा कभी नहीं है कि उत्प्रेरक किसी रासायनिक अभिक्रिया को शुरू कर दे। उत्प्रेरक किसी रासायनिक अभिक्रिया को आरंभ नहीं कर सकता है। उत्प्रेरक केवल अभिक्रिया की गति को बढ़ाने और घटाने के लिए उपयोग होता है। उत्प्रेरक अभिकारक की भौतिक मतलब किसी भी गुण को प्रभावित नहीं करता है। उत्प्रेरक साम्य अवस्था को भी प्रभावित नहीं करता है, केवल साम्य स्थापित होने में लगे हुए समय को कम कर देता है। एक और इंपॉर्टेंट बात है कि उत्प्रेरक किसी खास अभिक्रिया के लिए किसी खास उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है। जैसे अभी हम रेरक का इस्तेमाल करते हैं और उत्प्रेरक अंत अंत तक भार और बनावट की दृष्टि से क्या होता है, अपरिवर्तित होता है। इसके भार और बनावट में कोई परिवर्तन। अब हम बात करते हैं उत्प्रेरण की क्रियाविधि का अधिशोषण सिद्धांत, जिसका दूसरा नाम विस्मांगी उत्प्रेरण का सिद्धांत है। मतलब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं कि आखिर उत्प्रेरक कैसे अभिक्रिया के संपन्न होने में साथ देता है, वो मतलब उसका मेन रोल क्या है और कैसे संपन्न करता है। तो देखिए, एक छोटा सा रिएक्शन हम यहां लिख रहे हैं और ये रिएक्शन है ए प्लस बी एरो कैटलिस्ट ए बॉन्ड बी। तो इसमें कैटलिस्ट जो है, उत्प्रेरक जो है, क्या काम करता है, कैसे ए और बी के बीच के रिएक्शन को संपन्न करता है पूरा डिटेल में, ये है आपका रिएक्टेंट और ये है उत्प्रेरक का सतह सरफेस। तो आप सभी स्टूडेंट इसी चैप्टर के एक भाग में अधिशोषण पढ़कर आए हैं। अधिशोषण तो होता क्या है, अधिशोषण के सिद्धांत के तहत, अधिशोषण के सिद्धांत के साथ जो अभिकारक के अणु है वो सबसे पहले उत्प्रेरक के सरफेस से मुक्त संयोजकता को पूरा करने के लिए या आणविक आकर्षण बल, जो आकर्षण बल होता है उसके कारण ये इसके सतह से जुड़ जाते हैं। तो यहां पर पहले ये अभिकारक अधिशोषण के कॉन्सेप्ट के तहत जुड़ते हैं। आप सभी स्टूडेंट जानते हैं कि अधिशोषण एक उष्मा क्षेपी प्रक्रम है। इसमें हीट मतलब क्या होता है, उष्मा मुक्त होती है। तो जो उष्मा मुक्त होती है वो इस रिएक्टेंट के एक्टिविटी को, सक्रियता को बढ़ाने में सहायक होती है। तो जैसे ही अधिशोषित होता है, अच्छा ये बताइए अभी आपको अगर समझ में आ रहा है या पिछला बात याद होगा, इसमें अधिशोषक कौन है, अधिशोषक उत्प्रेरक और अधिशोष्य, तो जो अभिकारक कारु है वो आकर जुड़ा है। तो अधिशोष्य हुआ ए बी और अधिशोषक हुआ उत्प्रेरक, उत्प्रेरक का सतह। तो यहां पर जैसे ही अधिशोषित होता है उष्मा मुक्त होती है, वो उष्मा इसकी क्रियाशीलता को बढ़ाने में सहायक होती है। तो इससे क्या होता है कि दोनों रिएक्शन करने लगता है, कहां, उसके सतह पर। तो ये रिएक्शन स्टार्ट, तो ये क्या होता है कि इसके बीच ये रिएक्शन के दौरान यानी अभिकारक के अणु आपस में बॉन्ड बनाते हैं और जब ये बॉन्ड काफी मजबूती से बन जाता है तो ये उत्प्रेरक के पृष्ठ को छोड़ देते हैं और उत्प्रेरक अलग हो जाता है और प्रोडक्ट अलग हो जाता है। फिर से यहां रिएक्टेंट पहले इसके सतह से जुड़ा, किस सिद्धांत से जुड़ा, अधिशोषण के सिद्धांत से। अधिशोषण होने से उष्मा मुक्त हुई,
वो ऊष्मा इस रिएक्टेंट के एक्टिविटी को, सक्रियता को बढ़ा दिया, तो ये आपस में बॉन्ड बनाने में, रिएक्शन करने में उसका उपयोग किया एनर्जी का, और आपस में जैसे ही प्रोडक्ट ये बना लिया तो ये तुरंत इसके सरफेस को छोड़ दिया, फिर उसी तरह दूसरा रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल आया, सतह पर जुड़ा, रिएक्शन किया, अलग हो गया। तो बार बार ये प्रोसेस होता रहता है और रिएक्टेंट बदलता रहता है किस चीज में, प्रोडक्ट में। तो ये है उत्प्रेरण की क्रियाविधि का अधिशोषण सिद्धांत, जिसको विस्मांगी उत्प्रेरण का सिद्धांत भी कहते हैं, जिसमें यह समझाया जाता है कि उत्प्रेरण आखिर होता कैसे है, उत्प्रेरण की घटना या उत्प्रेरक अपना रोल निभाता कैसे है। तो एक लाइन में जवाब है, अधिशोषण के द्वारा उत्प्रेरक अपना रोल निभाता है किसी अभिकारक को प्रतिफल में बदलने में। यानी एक लाइन में कहें कि उत्प्रेरण उत्प्रेरक क्या है, तो उत्प्रेरक एक स्थान है जहां रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करके प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं। तो इससे जो उत्प्रेरक का बनावट है, जो भार है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये था उत्प्रेरक की क्रियाविधि का अधिशोषण सिद्धांत।